तुम्हारा पिता तुलसीसुर तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि सीता के मोह से अपने मन को मुक्त कर लो। क्यों? किसलिए? इसलिए कि वह वन वन भटकने वाला वनवासी कुछ भालू वानरों को इकट्ठा करके हमें गिदर भभकी दे रहा है। तुम उस वनवासी तपस्वी को पहचान नहीं रहे हो तार? आपने जान लिया? आपने पहचान लिया उसे? हाँ, मेरे अंतरचक्षु कहते हैं कि वो कोई और नहीं साक्षात सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ है। कौन है त्रिलोकीनाथ? हमसे बड़ा कौन है तीनों लोकों में आज? तार, तुम तो त्रिलोक विजेता हो, वो तो त्रिलोक रचयिता है, साक्षात विष्णु का अवतार है। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर भी पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। इस समय दानवराज मैं नहीं, एक पुत्री का पिता अपने जामाता के द्वार पर कुछ मांगने आया है। पुत्री का पिता, कन्यादान दाता, पुत्री के द्वार पर कभी कुछ मांगने नहीं जाता, वो सदा देता ही रहता है, यही युग युग की रीति है। पुत्री के कल्याण की कामना, बेटी के सुख सौभाग्य की रक्षा करने का तो हर पिता को सदा अधिकार है लंकेश्वर, उससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लंकेश्वर की महारानी की चिंता से आप उसी दिन मुक्त हो गए थे जिस दिन से हमारी भारिया के रूप में उसका भाग्य आपने हमारे साथ बांध दिया था। अब उसके कल्याण की कामना करना आपका काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है।